जब आप जीवाश्म यानी कि फॉसिल ये शब्द सुनते हो तो सबसे पहली चीज़ कौन सी है जो आपके दिमाग में आती है? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है डायनासोर या फिर जुरासिक पार्क या फिर रॉस फ्रेंड्स में से। हाय दोस्तों, मेरा नाम नम्रा है और मैं जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेलेंटोलॉजी पढ़ती हूँ। और आज मैं आपको वक्त में 45 करोड़ साल पीछे लेकर जाने वाली हूँ। और पेलेंटोलॉजिस्ट इस वक्त को कहते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड। तो इस समय धरती जो थी वो एकदम अलग थी आज से। आज जैसे धरती पर 7 महाद्वीप है, लेकिन उस वक्त ये जो इनमें से कई सारे महाद्वीप एक साथ थे और वो एक साथ एक उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट बनाया हुआ था जिसका नाम था गोंडवाना। और जो धरती का नक्शा था या वर्ल्ड मैप उस वक्त का था वो कुछ ऐसे दिखता था। तो उस समय दुनिया का नक्शा कुछ ऐसे दिखता था। ऑर्डोविशन समय के बीच कई सारी नई प्रजातियों का जन्म हुआ और इसको हम कहते हैं द ग्रेट ऑर्डोविशन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट। लेकिन इस समय के अंत की तरफ तापमान काफ़ी कम होने लगा और अचानक से तापमान गिरने लगा और इस वजह से धरती पर हिमीभवन हो गया यानी कि ग्लेसिएशन हो गया। और इसके चलते ही समुद्र का स्तर भी काफ़ी गिरने लगा और इसी वजह से जो समुद्र में प्राणी रहते थे अचानक से उनका सामूहिक विलोपन हो गया यानी कि मास एक्सटिंक्शन हो गया। अगर आप ऑर्डोविशन समय के समंदर में तैरने चले जाते तो आपको वहाँ पे बहुत सारे अजीब से दिखने वाले जानवर दिखाई देते, जैसे कि ये जो कॉकरोच की तरह दिख रहा है जानवर, इसको कहते हैं ट्राइलोबाइट। और तभी मछलियाँ भी काफ़ी अलग दिखती थी आज की मछलियों से, और ये जो मछलियाँ हैं इनको कहते हैं ऑस्ट्राकोडर्म्स। और यहाँ पर मेरे पास है एक असली जीवाश्म और इसका नाम है ऑर्थोसेरिस। ये जो ऑक्टोपस और स्क्विड्स होते हैं उनका प्राचीन रिश्तेदार है। तो इन सारे अजीब जानवरों के बीच में समंदर में कई लाखों करोड़ों अब्जों सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते होंगे। और अगर इनमें से कई कुछ सूक्ष्म जीवों के शरीर पर एक कवच हो यानी कि शेल हो तो ये चांसेस है या फिर ये संभावना है कि इसका फॉसिल बन जाए या इसका जीवाश्म बन जाए। तो ऐसे जो जीवाश्म है वो हमें कुछ स्पेशल प्रकार के पत्थरों में मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो पत्थर है वो समुद्र में जो जानवर रहते हैं उनके अवशेषों से बनता है। तो अगर हम 3 डायमेंशंस में देखना चाहें कि ये जीव कैसे दिखता था, तो ये शायद कुछ इस चॉकलेट की तरह दिखता था यानी एक गोले के आकार का था। और इसके अंदर से वो कैसे दिखता था ये देखने के लिए हम अभी इस चॉकलेट को तोड़ते हैं, इसके 2 हिस्से करेंगे। तो शायद वो कुछ ऐसे दिखता था यानी कि ये जो बाहर का हिस्सा है वो उस जीवाश्म का कवच है और ये जो अंदर का हिस्सा है ये वो जीव है जो इस कवच के अंदर रहता था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो जीवाश्म है वो आखिर थे क्या? मतलब जैसे एल्गा होते हैं जो पेड़ पौधों से करीब होते हैं, ये उनकी तरह थे? या फिर जो समंदर में छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनको हम कहते हैं जू प्लैंकटन, ये उनकी तरह थे? तो जीवन की जो 5 मुख्य विभाग है हम उनमें से किस विभाग में इनको डाल सकते हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। तो अगर हम पता कर पाए कि एग्जैक्टली है क्या, तो शायद हम ये भी पता कर सकते हैं कि क्या कोई और जानवर थे जिनको ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते थे, जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं इनको खाने वाली हूँ। तो ये थी बस एक छोटी सी झलक कि पेलियंटोलॉजिस्ट सच में करते क्या है। मतलब पूरा दिन हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं और चॉकलेट्स खाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।